हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आज मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर समझाने वाला हूँ सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस की नॉर्मल में डेफिनेशन समझाऊंगा, इसके डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझाऊंगा और इसके टाइप्स भी बताऊंगा। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक जरूर देखें। और भी सब्जेक्ट हैं जैसे कि मटेरियल टेक्नोलॉजी, थर्मल इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और भी कुछ सब्जेक्ट हैं। इन सब के मैक्सिमम वीडियो में डाल चुका हूं। कोई आप देखना चाहते हैं तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ऐसे फ्रेंड्स हमारे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सिर्फ आपको ध्यान से सुनते जाना है जो भी मैं समझा रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स इसके टॉपिक से। टॉपिक लिखा हुआ है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें समझना होगा सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस क्या होती है। तो जो कास्टिंग प्रोसेस होती है फ्रेंड्स, कौन सी कास्टिंग प्रोसेस होती है, उसका एक टाइप से सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस। पहला वर्ड आपको समझ में आया होगा कि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस क्या है, कास्टिंग प्रोसेस का एक टाइप है। अब फ्रेंड्स हमें सबसे पहले समझना होगा सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस को समझने से पहले कि कास्टिंग प्रोसेस क्या होती है और इसमें क्या करते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स हम करते हैं जिस भी पार्ट को हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है, कोई मशीन का पार्ट हो सकता है, कोई अदर पार्ट हो सकता है जिसको हमें मैन्युफैक्चर करना है, उसका हम क्या करते हैं, एक डमी पीस बनाते हैं। डमी पीस का मतलब होता है हम एक कॉपी पीस बना लेते हैं वैसा ही जैसा कि हमारा ओरिजिनल पार्ट्स होता है। उसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक मोल्ड कैविटी तैयार करते हैं। मोल्ड कैविटी होती है एक खोखला सांचा जो कि एक पैटर्न के थ्रू हम तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमें पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करना है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, जिस मेटल का हमें उस पीस को बनाना है, उस पार्ट्स को बनाना है, उसको हम क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, मतलब उसको हम पिघला लेते हैं बिल्कुल पानी की तरह। फिर हम उस बने हुए सांचे में उस मोल्टन मेटल को, उस पिघली हुई धातु को उसमें डाल देते हैं। फिर उसके बाद हम उसको ठंडा होने देते हैं, तो कुछ देर बाद ठंडा होता है और वैसा ही जैसी हमारी मोल्ड कैविटी है वैसा ही शेप एंड साइज ले लेता है, वह है हमारा मोल्टन मेटल, और सॉलिड हो जाता है। फिर हम उसको निकाल लेते हैं, उस पर फिनिशिंग करते हैं, उससे हमारा एक पार्ट्स तैयार होता है जैसा हम बनाना चाहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कास्टिंग प्रोसेस। अब फ्रेंड्स कास्टिंग प्रोसेस होती है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस, जो कास्टिंग प्रोसेस का एक टाइप है। तो हमें यहाँ पर समझना है सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या है और क्यों सेंट्रीफ्यूगल का वर्ड यूज किया गया। तो यहाँ पर लगता है फ्रेंड्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या एक ऐसी मेथड है जिसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, कैसे काम करता है और क्या होता है, इसको हम इस डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस के अंदर कुछ होलो रहते हैं, जैसे खोखले जो पार्ट्स रहते हैं होलो बोलते हैं, उनको हम तैयार कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू, मतलब मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और उनको बना सकते हैं। तो इसके अंदर फ्रेंड्स क्या होता है, एक एक्सेस होती है, क्या होती है, एक एक्सेस होती है। उसके अबाउट क्या होता है, पूरी मोल्ड कैविटी, जैसे हम मोल्ड कैविटी बनाते हैं, जैसे हम पीस बनाना है उसका, जैसा ही मोल्ड कैविटी मतलब जैसा ही पैटर्न तैयार करते हैं, पैटर्न के थ्रू हम जो मोल्ड कैविटी तैयार करते हैं, वो है मोल्ड कैविटी क्या होती है, एक एक्सिस के अबाउट घूमती है, मूव होती है। उस घूमती हुई मोल्ड कैविटी में हम क्या करते हैं, जो हमारा मोल्टन मेटल है, पिघली हुई धातु है, उसको डालते हैं। जैसे ही डालेंगे तो ये मोल्टन में जो हमारी मोल्ड कैविटी है वह घूम रही होती है, तो घूमती हुई क्या करती है, जैसे ही सेंटर पे हमारी क्या पहुंचती है, मोल्टन मेटल पहुंचता है, पिघली हुई धातु पहुंचती है, वहां पर क्या लगता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। कहां, एक्सिस के अबाउट। तो सेंट्रीफ्यूगल क्योंकि वह सेंटर पे लगता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, इस धातु को, पिघली हुई धातु को बाहर की ओर फेंकता है। क्या करता है, बाहर की ओर फेंकता है, मतलब बाहर की ओर क्या करता है, फोर्स लगाता है। तो उस पिघली हुई धातु कहां जाएगी, बाहर की ओर जाएगी। बाहर की ओर कहां जाएगी, जो मोल्ड कैविटी की परतें बोले जो दीवारें हैं उन पे जाके चिपकती जाती है। तो जैसे ही मोल्टन मेटल डालते जाते हैं, सेंटर पे क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो भी हमारी पिघली हुई धातु है बाहर की ओर फेंकती है, बाहर की ओर फेंकती कहां पर लगती है, दीवारों पे लगती है।
दीवारों पे लगती जाती है। इस तरह हमारा क्या होता है, पूरी मोल्ड कैविटी की तरह एक होलो पीस तैयार हो जाता है। इस तरह हम इसमें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसमें जैसे बताया गया फ्रेंड्स कि जो हमारी मोल्ड है या जो मोल्ड कैविटी है वह लगभग 300 से 3000 आरपीएम के बीच में घूमती है एक्सिस के अबाउट, ठीक है फ्रेंड्स। और क्या होता है, जो भी हमारी बहुत सारे इसमें प्रोडक्ट तैयार होते हैं उसको उसका जो ग्रैंड स्ट्रक्चर होता है, फाइन ग्रैंड स्ट्रक्चर होता है, और जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है उसके उसका उसके कोरोजन को क्या रेजिस्ट कर सकती है। इस तरह के पार्ट्स तैयार होते हैं किसके अंदर, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस के अंदर। अब फ्रेंड्स आपको कुछ कुछ तो समझ में आया होगा, लेकिन इस डायग्राम से मैं समझाऊंगा तो आपको क्लियर पूरे कंसेप्ट हो जाएंगे। इसके डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दो डायग्राम दिख रहे हैं, एक 2D डायग्राम, एक 3D डायग्राम। 3D डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे में दिमाग में एक पिक्चर क्लियर होगी कि किस तरह की पूरी प्रोसेस होती है, किस तरह की मशीन होती है। यहाँ पर ये डायग्राम दिख रहा होगा 2D डायग्राम, यह एग्जाम पर्पज से होता है कि इसको आप एग्जाम में अच्छा बना सके और इसको एक्सप्लेन कर सके। तो फ्रेंड्स इन दोनों डायग्राम को समझेंगे हम। सबसे पहले हम इसके 3D डायग्राम को समझेंगे जिससे आप इसको अच्छे से समझ सके। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक मोटर लगी हुई है। मोटर का यूज होता है फ्रेंड्स, इसमें कुछ रोलर लगे हुए हैं ऊपर नीचे, जो रोलर घूमते हैं इस मोटर के थ्रू, उसके थ्रू क्या होता है, ये जो हमारा मोल्ड कैविटी बनी हुई है जिस जैसा हमें पीस बनाना है वह क्या होती है, रोटेट होती है, घूमती है स्पीड से, जो कि मैंने बताया हुआ था 300 से लेकर 3000 आरपीएम के बीच में। हम यहाँ पर एक ट्रॉली टाइप की रहती है जिसमें हम क्या करते हैं, इसका कनेक्शन सीधा कर देते हैं इसके जो हमारा एक मोल्ड कैविटी बनी है उससे। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी धातु का हमें, जिस मेटल का हमें पीस बनाना है उस मेटल को हम क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं किसी फर्नेस में। मेल्ट करने के बाद क्या करते हैं, एक बर्तन के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको डालते हैं। तो जैसे ही मेटल कहाँ जाता है, इसके अंदर जाता है, ये क्या होती है, घूमती है इसके थ्रू, ये रोलर के थ्रू एक मोटर से ये घूमती है। तो क्या होता है, जैसे ही मेटल यहाँ पर जाता है, एक येलो कलर का मेटल दिख रहा है, ये मेटल जैसे ही एक्सिस पे जाएगा तो एक्सिस पे कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वह क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो भी चीज वहां जाएगी उसको बाहर की ओर फेंकता है। तो ये मेटल क्या बाहर की ओर फेंकेगा, तो यहाँ येलो कलर दिख रहा होगा, ये येलो कलर टाइप का क्या है, मेटल पिघला हुआ है जो कि इसकी दीवारों पर लगता रहता है, दीवारों पर पूरी तरह चिपक जाता है। जब हम देख लेते हैं पूरा मटेरियल हमारा यहाँ पर आसपास लग चुका है, पूरा पीस तैयार हो चुका है, फिर इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, फिर इसको हम बाहर निकालते हैं तो हमारा वैसा ही सर्कुलर एक पीस, होलो पीस तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये थोड़ी सी आपको मेथड समझ में आई होगी। अब हम इस डायग्राम की ओर चलते हैं जिसको हमें एग्जाम में बनाना है। तो यहाँ पर दिख रहा है कीप टाइप की लगी हुई है, मोल्टन मेटल लिखा हुआ है, ये येलो कलर का दिखाया गया कि ये हमारा एक मेटल है जिससे हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है। उसको हमने क्या किया, मेल्ट किया, ठीक है, मेल्ट किया, फिर इसके थ्रू हम क्या करते हैं, मोल्टन मेटल को अंदर डालते हैं जो हमारी मोल्ड कैविटी बनी हुई है, ठीक है। ये जो है येलो कलर का दिख रहा है, इसको कास्टिंग दिखाया गया, मतलब ये पूरा पार्ट हमारा तैयार है। यहाँ पर टॉप रोलर लगे हुए जो कि इस तरह के होते हैं, और नीचे क्या लगे हुए हैं, बॉटम रोलर लगे हुए हैं जो कि इस तरह के होते हैं। यहाँ पर एक मोटर लगी जो कि यहाँ पर दिख रही होगी, इस तरह की होती है, उसको ऐसा बनाया जाता है। यहाँ पर एक एक्सिस दिखाई जाती है क्योंकि एक्सिस के अबाउट ये मूव होता है। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स क्या किया, जैसे मोल्टन मेटल डाला, इसको हम चालू कर देते हैं तो ये रोलर के थ्रू यहाँ पर जो सर्कुलर हमारी मोल्ड कैविटी है वह क्या होती है, घूमती रहती है। मोल्ड कैविटी स्पीड से घूमती है, यहाँ से मोल्टन मेटल आया, यहाँ पर गिरा, यहाँ पर गिरा, तो ये क्या हुआ, एक्सिस के एक्सिस में क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, वह इसको बाहर की ओर फेंकेगा। बाहर की ओर फेंकेगा तो कहाँ, ये जो दीवारें हैं मोल्ड कैविटी की उसमें लगेगा, ये परत बाई परत बाहर की ओर फेंकता जाता है। जैसे ही मोल्टन मेटल आता रहता है तो ये बाहर की ओर फेंकेगा तो इनकी दीवारों पर लगता जाता है, ऐसे कंटिन्यू लगता जाता है। जो भी हमारी मोल्ड कैविटी तैयार है उसी के अकॉर्डिंग पूरा मोल्टन मेटल हम डाल देते हैं और ये पूरी तरह हमारा क्या होता है, जैसी हम कास्टिंग करना चाहते हैं वैसी कास्टिंग तैयार हो जाती है। कास्टिंग मतलब वैसा पीस तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसकी आपको मेथड भी समझ में आई होगी कि कैसे वर्किंग करते हैं, और ऊपर मैंने समझाने की कोशिश की थी इसकी डेफिनेशन, वह भी आपको समझ में आई होगी। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एडवांटेज लिखे हुए हैं, जैसे कि सूटेबल फॉर ऑल कास्टिंग मेटल, जो भी ऑल मेटल है और अलॉय है उनके लिए यह मेथड सूटेबल है। लार्ज कास्टिंग के लिए यूज किया जा सकता है इसको, जो भी व्हील्स हैं होलो सिलेंड्रिकल कास्टिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। जो इसकी कास्टिंग करने के बाद जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज निकलती हैं वह इनके पार्ट्स की अच्छी होती हैं, और नो इंटीग्रेटेड पार्ट मतलब जो अंदर अंदर के पार्ट्स होते हैं उनके लिए इसका यूज कम किया जाता है या किया नहीं जा सकता है। हाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसकी जो कॉस्ट रहती है वह भी कैसी रहती है, हाई रहती है।
अब फ्रेंड्स इसके कुछ टाइप्स रहते हैं उसको भी मैं बता देता हूँ, जैसे कि ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग और सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, ए सेंट्रीफ्यूजिंग कास्टिंग। इन सबको अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि सेपरेट टॉपिक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ गए होंगे इसके टाइप्स, ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग और सेंट्रीफ्यूजिंग कास्टिंग। तो फ्रेंड्स यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।